अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो एक और सक्सेस स्टोरी के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पे एक लंबी गैर हाज़िरी के बाद। तो जैसा कि पहले भी वीडियोस में यही बात आपको बताता रहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही जॉब में या एम्प्लॉयर से रابطہ किया करें, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, ट्रेड डिफरेंट हो, एक्सपीरियंस ना हो उसमें, तो बहरहाल हाथ कुछ नहीं आता, रिफ्यूज़ल ही लगती है। लंबे इंतज़ार और पैसे खर्चने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल लगे तो बंदा बहरहाल बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, परेशान होता है, जो कि कुदरती अमल है। तो सेम ट्रेड हो और उसके बावजूद भी रिफ्यूज़ल लगे, इसके चांस बहरहाल कम हो जाते हैं। उस सूरत में हो सकता है कि एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाए और आप वहाँ पर जाके या तो इंग्लिश ना बोल सकें और या जवाब ही गलत देते रहें। यहाँ पर यह वीज़ा ग्रांट हुआ है, यूएई से ही भाई का वीज़ा लगा, ये भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं, बहुत आसानी से वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। इनकी अपॉइंटमेंट थी जुलाई के महीने में ही और जुलाई के माह में ही इनको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। अभी ये वीज़ा वैलिड है 5 अगस्त से, अगले महीने 5 अगस्त से वैलिड होगा और ये ट्रैवल कर सकते हैं। इनका यूएई में आप कह सकते हैं कि इतना सेम भी नहीं था, 100% नहीं था सेम, बहरहाल 70-80% मिलता जुलता ट्रेड था। तो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई और जो वीज़ा है वो ग्रांट हो गया। इंटरव्यू कॉल आती है तो वो चेक करते हैं कि इंग्लिश बंदा बोल सकता है, या अगर इसने दूसरे किसी ट्रेड में अप्लाई किया हुआ है तो इसके पास वो एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। बात फिर वही रहती है कि बंदे कहते हैं जी हमारे पिछले वीज़े लगे हुए हैं या हम पहले काम करते थे, तो वो बहरहाल एम्बेसी जो है वो नहीं मानती, वो रिफ्यूज़ल ही देती है आपको। ये भाई का जो वीज़ा ग्रांट हुआ है, लंबी चौड़ी एफ़र्ट इस हवाले से है कि इन्होंने कंपनी चेंज कर ली थी, फिर 8 महीने पूरे किए हैं और दोबारा जाके अप्लाई किया है, और उसके बाद एक दो अपॉइंटमेंट भी वेस्ट गई है। उस अपॉइंटमेंट पे डॉक्यूमेंट भी नहीं सबमिट हुए, नई अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। अभी जो मेरा ख्याल है अक्टूबर का मंथ भी फुल जा रहा है, कोई अपॉइंटमेंट हाथ नहीं आ रही। एम्प्लॉयर के मुतालिक सुन रहे हैं कि अब एम्प्लॉयर ही आपको अपॉइंटमेंट लेकर देगा, नेक्स्ट जो भी अप्रूवल लेटर वगैरह निकलेंगे तो आप इस हवाले से अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। अभी जा रहा है जुलाई और अक्टूबर की भी अपॉइंटमेंट फुल हो चुकी है, यानी अगर आज भी आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें तो मिनिमम मेरा ख्याल है आपको नवंबर में जाके यूएई की, मैं बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मिलेगी। अक्टूबर के बाद मेरा ख्याल है नवंबर का, जी नवंबर की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, और ये इंतज़ार बहरहाल बहुत तवील हो सकता है। और ये भी सुन रहे हैं कि जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है, VFS वालों ने दोबारा ड्रामा शुरू कर रखा है कि 45 डेज़ कम अज़ कम वैलिड होना चाहिए जिस दिन आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को आप जहन में रखें। अभी ये अपडेट के हवाले से मेरा ख्याल है आपको दी जा सकती थी, मैंने यही सुना है, और एक मेल भी मैंने देखी है VFS की, जिसमें वो यही बोल रहे हैं कि जिस दिन आप अप्लाई करने आएँ तो मिनिमम 45 डेज़ जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आपका वैलिड होना चाहिए। पहले तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन थी, एक्सपायरी के बाद भी 3 महीने के अंदर अंदर आप सबमिट करवा सकते थे, तो लेकिन बहरहाल अभी वो काम जो है वो निपट चुका है, ख़राब हो चुका है। और इसके हवाले ये भी अपडेट है कि जिनके अप्रूवल लेटर एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ लोगों को वो एयरपोर्ट पे पूछते हैं या कंपनी में रابطہ करते हैं, तो इस हवाले से भी अगर आपका अप्रूवल लेटर एक्सपायर हो चुका है तो आप कम अज़ कम अपनी कंपनी में जाने से पहले इतला कर दें कि मैंने फ़लाँ दिन की कन्फर्म टिकट ख़रीदी हुई है, इस दिन को मैं ट्रैवल करूँगा, ताकि कम से कम कंपनी का कोई ना कोई नुमाइंदा आपको एयरपोर्ट पे लेन पहुंचा हो तो आप उन्हें बता सकें कि मुझे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिसीव करने आया हुआ है। अगर मेरा अप्रूवल लेटर एक्सपायर भी है तो आप मेरी कंपनी से रابطہ कर सकते हैं, तो आप परेशानी से बच सकें। अब आपने कंपनी में भी नहीं बताया हुआ तो बहरहाल आप डीपोर्ट होने का भी चांस है, और कुछ लोग डीपोर्ट भी हुए हैं। इसी से रिलेटेड एक और ख़बर मैंने देखी है कि कुछ लोग जो हैं वो माल्टा से जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उन्होंने एयरपोर्ट से भी पकड़ के डीपोर्ट किया लोगों को, बिलफर्ज पुर्तगाल जा रहे हैं, कुछ लोग इटली जा रहे हैं। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बोलते हैं कि अब कंपनी से आप लेटर लेके जाओ, लेटर लेके आओ, लेकिन ये बहरहाल कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो कम अज़ कम वो हुलिया या वो सरकमस्टांसिस हों कि आप विज़िट करने जा रहे हैं। अभी आप उनको दिखा रहे हो टिकट सिंगल वे ओनली माल्टा टू पुर्तगाल जा रहा हूँ मैं, 1 वे की टिकट है, आपके पास कोई होटल बुकिंग नहीं है, और बैग भी आपने 40-45 किलो का बांधा हुआ, तो वो जारी बात एयरपोर्ट वाले समझ जाते हैं कि ये तो भाग रहा है इधर से, तो वो आपको डीपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बात भी आप जहन में रखें, आप बिल्कुल ही आज़ाद नहीं है कि बस मेरे पास माल्टा का वीज़ा तो अब मैं जिधर मर्ज़ी जाऊँ, बहरहाल आप बाउंड हैं जो आपने कंपनी से एग्रीमेंट कर रखा है। ये तमाम बातें जहन में रखें। जो भी हवाले से हैं, पाकिस्तानी भाई बात करते रहते हैं कि अब हम क्या करें, तो पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, जो क्लियर बात है।
कोई भी एजेंट अगर आपको फंसाने की कोशिश करता है, जी मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 20 लाख 22 लाख 25 लाख दो, तो भाई वो सारी गेम जो है वो ज़ाया जाएगी। एक सूरत हो सकती है कि आप किसी शेंगन कंट्री का विज़िट लगवा लें, उधर से माल्टा चले जाएं तो आपका कन्वर्ट हो सकता है, ओनली ये ऑप्शन है, या पुर्तगाल चले जाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन फ़िलहाल नज़र में नहीं है। विज़िट लेना भी आसान नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, आपका कोई जॉब प्रूफ हो या बिज़नेस प्रूफ हो, फिर ही आपको शेंगन विज़िट मिल सकता है। इस पर नेक्स्ट मैं वीडियोज़ बनाऊँगा किस तरह मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके आप किसी शेंगन कंट्री का विज़िट हासिल कर सकते हैं और कैसे थोड़ी बहुत अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी ज़ोर दे सकते हैं। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आप भी अपने नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैठे हैं कि मेरे पास अप्रूवल लेटर है तो ओपन हो जाएगा, बहरहाल अभी कोई चांस नहीं है ओपन होने का। हाँ, आपके एम्प्लॉयर हाथ में है, आप कोई शेंगन विज़िट अप्लाई कर लें तो जाके उस एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, वो आपका नया वर्क परमिट अप्लाई करके आपको कम अज़ कम जॉब वगैरह दे सकता है, और बहुत लोगों ने कन्वर्ट भी करवाए हैं। पहले तो मुझे ये बात कंफर्म नहीं थी, लेकिन अभी कम अज़ कम कंफर्म हो गई है। जो मेरी नज़र से लोग गुजरे हैं या जो कांटेक्ट में आए हैं, उन्होंने यही बात बोली है कि जो विज़िट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, एम्प्लॉयर जो है वो नया वर्क परमिट सबमिट करवाएगा, इवन के आपके पास दिन कम क्यों ना हो। शेंगेन कंट्री का विज़िट अप्लाई करते हैं, मेरा ख्याल है वो मैक्सिमम आपको 10 दिन 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना दे देंगे, लेकिन ये है कि एक्सपायर भी हो जाए आपका विज़िट तो अच्छी बात यह है कि आपका वर्क परमिट जो है वो निकल सकता है, अप्लाई हो सकता है और निकल भी सकता है। शर्त यह है कि आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर एग्री हो आपको लेने में, आपको एम्प्लॉयमेंट देने में। तो आप जाने से पहले भी डील कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपने किसी एम्प्लॉयर के पास बात की हुई है, अप्रूवल लेटर भी निकला हुआ है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला उधर ही आएगा कि विज़िट का, आप विज़िट कैसे लेते हैं। माल्टा का विज़िट जो है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से, पुर्तगाल का मुश्किल है, जर्मनी का मुश्किल है, इन तीन कंट्रीज़ को छोड़ के आप किसी भी शेंगन कंट्री का अगर उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, ये नहीं है कि आंखें बंद करके अप्लाई कर देना और बाद में रिफ्यूज़ल लेके घर, वो नहीं, रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं फिर आपने वो स्टेप लेना है, नहीं उतरते तो फिर कोई चांस नहीं है। ये नहीं है कि आप ये बात सुन लें कि जी इस तरह हो सकता है तो बस फिर मैं स्पेन के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, BLS की अपॉइंटमेंट मैंने पकड़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं फिर, रिक्वायरमेंट क्या है मैं कमिंग डेज़ इंशाल्लाह बनाऊँगा वीडियो, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस ऑर्डील से निकल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डील ही है, हर कंट्री अप्लाई कर पा रही है। बांग्लादेश के मुतालिक भी सुन रहे हैं, फ़िलिपाइन में पहले बंद था, अभी फ़िलिपाइन में भी ओपन है, उनके पासपोर्ट जो हैं वो कोरियर कर रहे हैं चाइना में, वहाँ से वीज़े लगवा रहे हैं। तो बहरहाल मसला रह गया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए मसला हल होता फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, यही ऑप्शन रह गई थी जो मैंने आपको बताई है। तो इसके मुतालिक ही सोचा जा सकता है, मज़ीद कोई अपडेट हुई तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको वो अपडेट दे सकूँ। तो वीडियो हो गई है तवील, इसका इख्तिताम यहीं पे करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आपके देखने का शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।